हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी के बीच। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल 5 डिफरेंसेस देखेंगे वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी के बीच का। पहला डिफरेंस है, वर्चुअल मेमोरी इज़ अ टेक्निक एंड कैश मेमोरी इज़ ए मेमोरी यूनिट। तो जो वर्चुअल मेमोरी होता है, ये एक तरह का टेक्निक होता है जो वर्चुअली मेमोरी को एक्सपेंड करता है एक तरह से। ये कोई एक्चुअल मेमोरी नहीं होता। लेकिन जो कैश मेमोरी होता है, ये एक एक्चुअल मेमोरी यूनिट होता है जो कि हमको मेनली प्रोसेसर के अंदर देखने को मिलता है। अब अगर सेकेंड डिफरेंस को देखें, वर्चुअल मेमोरी साइज इज़ ग्रेटर दैन द कैश मेमोरी। तो यहाँ पर जो वर्चुअल मेमोरी होता है, इसका साइज़ हमको मेनली कैश मेमोरी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जो कैश मेमोरी होता है वो मेनली 4 से 8 MB तक का हो सकता है। अब अगर थर्ड डिफरेंस को देखें, OS मैनेजेस वर्चुअल मेमोरी एंड CPU मैनेजेस द कैश मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी जो होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। लेकिन वहीं अगर कैश मेमोरी की बात करें तो ये CPU के द्वारा मैनेज होता है। अब फोर्थ डिफरेंस है, द मेन मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीजेस बाय वर्चुअल मेमोरी एंड CPU एक्सेस स्पीड इंक्रीजेस बाय कैश मेमोरी। तो यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी का यूज़ किया जाता है मेनली मेन मेमोरी के कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। यानी कि अगर कोई सिस्टम के अंदर मेन मेमोरी बहुत ही कम है, तो अगर कोई एक बड़ा सॉफ्टवेयर रन करवाना है तो वहाँ पर हम वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करके वर्चुअली थोड़ा स्पेस को इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्चुअल स्पेस इंक्रीज़ नहीं होता। और वहीं अगर कैश मेमोरी की बात करें तो ये मेनली CPU के स्पीड को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है। तो जब कोई रिपीटेटेड फाइल्स CPU मल्टीपल टाइम्स में एक्सेस करता है, तो वहाँ पर वो फाइल्स कैश मेमोरी के अंदर स्टोर रहते हैं। तो इससे जो CPU का प्रोसेसिंग टाइम होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो सपोज कोई भी एक प्रोसेस को जब CPU एग्जीक्यूट करवाता है, तो वहाँ पर उस स्पेसिफिक प्रोसेस रिलेटेड कुछ फाइल्स होते हैं जो कि मेन मेमोरी के अंदर स्टोर रहते हैं। तो अगर एक ही प्रोसेस मल्टीपल टाइम प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पर CPU क्या करता है, उस प्रोसेस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होता है वो कैश मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख लेता है। तो इससे उसको मेन मेमोरी को बार बार कॉल नहीं करना पड़ता और इससे प्रोसेसिंग टाइम भी अल्टीमेटली थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो फिफ्थ एंड फाइनल डिफरेंस है वो है मैपिंग मेथड से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमको वर्चुअल मेमोरी के अंदर मैपिंग मेथड देखने को मिलता है और कैश मेमोरी के अंदर हमको कोई भी तरह का मैपिंग मेथड देखने को नहीं मिलता। तो वर्चुअल मेमोरी मेनली मैपिंग मेथड का यूज़ करके वर्चुअल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेस के साथ मैप करता है। तो ये थे कुछ 5 डिफरेंसेस वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।